महिंद्रा एंड महिंद्रा पे क्या राय बनती है? आज एक नई गाड़ी और वो वाला एक्सयूवी 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंट्री, बढ़िया तेजी, 1300-2100 रुपए का भाव, 2.5% की तेजी, क्या भी वैसा? अगर ये स्टॉक की बात करें सर, तो मार्च महीने में ये 600 रुपए के आसपास था और डबल हो चुका है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए महिंद्रा महिंद्रा अच्छी बैट है, बट मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा 1100 रुपए तक का, तो ये लेवल पे एंट्री की राय नहीं है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक लिया है, एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। आपकी बात सही है फंडामेंटली कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में लॉन्चिंग है उसका और अच्छी बुकिंग मिल रही है XUV700 को, बट सर मेरी राय है ऑर्डर बुक से ज्यादा डिलीवरी इज मोर इम्पोर्टेंट। और आप देखोगे तो महिंद्रा महिंद्रा XUV700 अगर आप बुक करवाने जाओगे तो मिनिमम 8-9 महीने का वेटिंग है, और इलेक्ट्रिक का जो डिलीवरी पीरियड वो एस्टिमेट कर रहा है दिसंबर 2024, तो तब तक तो बहुत सारी टाटा की गाड़ी आ जाएगी। तो मुझे डर है कि बुकिंग मिल रही है बट कितनी कन्वर्ट होगी सेल्स में, क्योंकि लोग इतना पेशेंस नहीं है आजकल, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, सबको जल्दी चाहिए गाड़ी हो या मोबाइल हो। तो मुझे लग रहा है कि भाई एक्सपेक्टेशन पे अच्छा मूव आया है, तो मेरी राय है प्रॉफिट थोड़ा बुक कीजिए, थोड़ा करेक्शन आए 1100 रुपए के आसपास तब वापस एंट्री ले सकते ये भी इंटरेस्टिंग होगा सर, अगर ये पता किया जाए, इसका कुछ डेटा निकले कि कितने कैंसिलेशंस हुए हैं, क्योंकि बुकिंग होना हैं। एक चीज है और बुकिंग का कैंसिलेशन भी होता होगा। सही बात है कि अब वो जमाना चला गया जब लोग सालों साल इंतजार करते थे स्कूटर के लिए, फोन हाँ, के लिए, टीवी के लिए, क्योंकि अब नहीं हो चुका। अब सर आप एक तो आप देखो कि ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आप मेरी बात करूं, मैंने अक्टूबर 21 में लास्ट ईयर जब लॉन्च हुआ था, 10वें का दिन टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया था, आई वाज प्लानिंग टू बाय कार। तो XUV700 में दो चीज जो आई वेंट डिन वेंट फॉर बुकिंग यही था कि वो बोले मिनिमम वेटिंग 9 मंथ्स का है, और जो प्राइस है कार का वो जब डिलीवरी के टाइम पे जो प्राइस रहेगा वो है, तो फिक्स प्राइसिंग भी नहीं मिल रही। तो आज जो लोग हायर टू मिडिल क्लास में है तो उसके लिए लोन फैक्टर ये सब मैटर करता है। तो अगर आप 25 लाख में आप 1 साल पहले बुकिंग करें और 9 महीने के बाद अगर मेटल प्राइसेस बढ़ गए और तब 28 लाख बोलोगे तो आपका बजट सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत सारे कैंसिलेशन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि डीलर लेवल पे मैंने कई बार बातें भी की है कि लोग 25 हजार देके बुक करवा लेते हैं, बट लेकिन अगर किया का या टाटा का कार मिल रहा है तो फिर ये बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। और बुकिंग कैंसिलेशन में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसमें पूरा पूरा पैसा रिफंड है, तो वो वैसा वाला भी कुछ नहीं है। 3 दिन में 3 दिन में पैसा वापस आ जाता है।